हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दार्लोंग कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में दार्लोंग कम्युनिटी को शामिल किया जाए। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, साथ ही साथ क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली ही लोकसभा ने एक इंपॉर्टेंट बिल पास किया है, ठीक है, स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022, जो कि बेसिकली अमेंड करेगा स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 का जो आपका एक्ट था उसमें, ठीक है, कुछ नए इसमें एडिशन करने की बात की है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो दार्लोंग कम्युनिटी है आपकी त्रिपुरा की, त्रिपुरा में तकरीबन 20 स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हैं, ठीक है, तो दार्लोंग कम्युनिटी उसमें से एक है और इसे सब ट्राइब की फॉर्म में कुकी ट्राइब कम्युनिटी में के तहत शामिल किया जाए, ताकि स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा इस कम्युनिटी को मिल पाए, ठीक है। तो ये एक बहुत डिबेटेबल इशू था लंबे समय से, एंड फाइनली पार्लियामेंट डिसाइडेड टू टेक डिसीजन ओवर इट। एक और इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन किया गया, वो था नेशनल कमीशन ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जिस पर मैं फर्दर आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। तो तकरीबन 4 सालों से ये डायफंक्शनल है, बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में 4 सालों से कोई रिपोर्ट ही आपकी प्रेजेंट नहीं की है नेशनल कमीशन ऑफ स्केड्यूल ट्राइब ने। सो इस पर बात की गई कि भाई क्यों डायफंक्शनल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दार्लोंग कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा के बारे में। अगर मैं रफली बात करूं त्रिपुरा के कंटेक्स्ट में, तो त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, तकरीबन 11,000 के आसपास इसकी जनसंख्या है त्रिपुरा में। त्रिपुरा इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेरी स्मॉल इन साइज, तो पॉपुलेशन भी कम है। हालांकि तकरीबन इसके तहत 70% एरिया जो है वो स्केड्यूल ट्राइब का आता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद है 11,000 समथिंग जो है पॉपुलेशन रिजाइड करती है। और दार्लोंग कम्युनिटी पर अगर मैं आऊं तो इस कम्युनिटी से रिलेटेड काफी एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो एजुकेशन की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, ठीक है। इनमें दो नाम बहुत फेमस हैं, म्यूजियोलॉजिस्ट, ट्राइबल कम्युनिटी के म्यूजियोलॉजिस्ट हैं रोसेम, ठीक है, इसके अलावा मास्टियो थांगा दार्लोंग, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कम्युनिटी, ऑलराइट। तो और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए भाई, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरली किसके लिए था, जो आपकी डाउन टोडन क्लास है, जो मेन स्ट्रीम लाइफ से नहीं जुड़ी है, जिसमें स्पेशली हमारे ट्राइब्स आते हैं, उनको फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके, ताकि सही शिक्षा वो ले पाए, अपना अपनी लाइफ को और बेटर वो कर पाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब जरा बात करते हैं भाई स्टेटस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन त्रिपुरा। तो मैंने जैसे कहा कि 11,000 के आसपास पॉपुलेशन है और तकरीबन 20 ट्राइबल कम्युनिटीज रिजाइड इन त्रिपुरा, ठीक है, और किसके तहत रिजाइड करती हैं, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसे मेघालय ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसी प्रकार से त्रिपुरा में भी ऐसी काउंसिल बनाई गई है। अब इस काउंसिल का फायदा क्या है कि इस पर सेंट्रल लॉज जो है वो नहीं लगते हैं, ठीक है, यहाँ के अपने जो कानून है वही मान्य होंगे, ये इन ट्राइबल काउंसिल्स का फायदा होता है। तो इसके तहत तकरीबन 70% जो है त्रिपुरा का टोटल जो एरिया है उसका 70% जो है वो बेसिकली ट्राइबल काउंसिल के तहत आता है, और इसमें तकरीबन 30% जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो रिजाइड करती है, ठीक है। तो त्रिपुरा इज बेसिकली प्राइम, वी कैन से दैट कि एक ट्राइबल स्टेट है, काफी पॉपुलेशन यहाँ की जो है ट्राइबल जो है रहती है, ठीक है। और ज्यादातर ये देखा गया है कि जो डिपेंडेंसी है ट्राइबल कम्युनिटीज की, वो अभी भी ट्रेडिशनल वे से ही अपनी जीवन का यापन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आए, तो ये एक जरूर चिंता की बात है। और ज्यादातर गरीबी की रेखा से ही नीचे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो अभी बात करेंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन त्रिपुरा में, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली नाम अगर नहीं भी याद रहे, 2-3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है, त्रिपुरा, रियांग, जमैता, नोमनिया, उचाई, चकमा ट्राइब बहुत बार खबरों में रहता है, मोग, लुशाई, कुकी ट्राइब में अभी जो है एड ऑन किया गया है सब ट्राइब की फॉर्म में, हलाम, मुंडा, कौर, ओरेंग, संथाल, भील, भूटिया, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं आपके त्रिपुरा के। सो हलाम जो कम्युनिटी है, सेवरल स्मॉल इसके ट्राइबल क्लेन्स भी हैं,
ठीक है। इसके अलावा दो ऐसी आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो जिन जो कि लिंग्विस्टिकली इंडेंजर्ड हैं, बंचोर एंड कारबोंग, ठीक है। तो ये कई बार परीक्षा में प्रिलिम्स में सवाल पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट, तो जरूर फैक्ट्स भी याद रहने चाहिए। नाउ टॉक अबाउट व्हाट आर द रीसेंट स्टेप्स, अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान किया है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि एक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पे मुहैया हो सके। दूसरा है फंड्स एलोकेशन किया जाएगा, प्रॉपर फंड्स एलोकेशन किए जाएंगे आपके स्केड्यूल ट्राइब एरियाज को, ताकि हर प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो पाए, अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा कर पाए, ठीक है, एजुकेशन एक अच्छी मिल पाए उन्हें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एलोकेशन किया है फंड्स का, स्पेशली हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर एरिया है आपका ट्राइबल एरिया का, उसकी बेटरमेंट के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं। नाउ हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ स्केड्यूल ट्राइब इन इंडिया, ये सबसे पहले आपको समझना जरूरी है क्योंकि तभी आपको रेस्ट ऑफ थिंग्स जो है प्रॉपरली समझ आएंगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बड़ा क्लियरली नहीं लिखा गया या कहीं भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ स्केड्यूल ट्राइब। ऑलराइट, इट इज रफली स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स। ऑलराइट, जैसे आपका जो सेंसस था 1931 का, उसमें पहली दफा स्केड्यूल ट्राइब के लिए बैकवर्ड ट्राइब्स टर्म का इस्तेमाल किया गया, या एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज की फॉर्म में ये टर्मिनोलॉजी जो थी आपकी बेसिकली स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल की गई, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें भी बैकवर्ड ट्राइब का जिक्र होता है प्रोविंशियल असेंबलीज में, जो उस समय की प्रोविंशियल असेंबलीज थी। मैं बात कर रहा हूँ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, एग्जिस्टेंस तो तभी भी ट्राइब्स का था, एडमिनिस्ट्रेशन तो तब भी चलाना था इन एरिया का। तो जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उसमें भी जो टर्म यूज की गई है वो है बैकवर्ड ट्राइब्स। तो कहीं भी हमें जो है एग्जैक्ट स्केड्यूल ट्राइब शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है, इनफॉर्मल ही इसका प्रयोग होता रहा। अब जरा कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, कहां कहां इसकी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा की गई है, बात की गई है। तो अंडर आर्टिकल 342 सेक्शन 1 में ये जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कोई ट्राइब जो है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का या किसी किसी ग्रुप का जो है उसे स्केड्यूल ट्राइब घोषित करना है या नहीं, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट या यूटी। ऑलराइट, तो ये भी जो है अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि भाई किसी ट्राइब को स्केड्यूल ट्राइब घोषित करना है या नहीं करना, तो ये जिक्र होता है आर्टिकल 342। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमारे स्केड्यूल हैं 12, उसमें से फिफ्थ स्केड्यूल में जिक्र किया गया है स्केड्यूल ट्राइब के कंटेक्स्ट में कि भाई फिफ्थ स्केड्यूल में ये कहा गया है असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम को छोड़ के, ठीक है, जितने भी आपका स्केड्यूल स्केड्यूल एरिया है, स्केड्यूल ट्राइब एरिया है, ठीक है, उसके प्रशासन को संभालने का जिक्र किया गया है फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सिक्स स्केड्यूल में प्राइमरी डिस्कस अबाउट टू डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज फोर स्टेट्स, ट्राइबल एरिया ऑफ दीज फोर स्टेट्स, असम मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चारों स्टेट्स का जो ट्राइबल एरिया है उससे संबंधित जो बात की गई है, ठीक है, वो जिक्र किया गया है स्केड्यूल सिक्स में। तो ये आपको बेसिक याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ आपके स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो है बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आई होप स्टूडेंट ये अच्छा आपको प्रॉपरली समझ आया होगा, और अभी रिसेंटली जो स्टेप लिया गया है एक कह सकते हैं इट विल रेज समवेयर अ रे ऑफ होप फॉर डालोंग कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।